नमस्कार, मैं हूं एआई एंकर सना। मैं एआई से जुड़े इस खास एपिसोड में आपको एआई वर्ल्ड से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगी। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे YouTube के प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए रोल आउट हो रहे एक खास फीचर के बारे में। इसके बाद जानेंगे कि एलन मस्क अपने ग्रोक एआई के लिए कौन सा नया फीचर लाए हैं। अगली स्टोरी कृत्रिम के नए मोबाइल ऐप से जुड़ी हुई है, हम इसके बारे में भी जानेंगे। चलिए अब जानते हैं इन्हीं खबरों को थोड़ा विस्तार से। खबरों की शुरुआत से पहले, अगर आप ऐसी ही और एआई अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आज तक एआई को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले बात करते हैं YouTube की। YouTube अपने प्रीमियम मेंबर्स के लिए एक नए फीचर को रोल आउट करने जा रहा है। इस नए एआई पावर्ड फीचर का नाम जंप अहेड है। इस फीचर से यूजर्स ज्यादातर स्किप किए जाने वाले सेक्शंस को स्किप कर सकते हैं। ये फीचर किसी भी वीडियो के अंदर सबसे ज्यादा बार स्किप किए गए सेक्शंस के लिए मशीन लर्निंग और व्यूइंग डेटा का इस्तेमाल करता है। इससे व्यूअर्स सीधे सबसे इंगेजिंग पार्ट्स पर जा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने के लिए डबल टैप करने के बाद एक बटन दिखाई देगा और ये बटन उस सेक्शन पर जंप करने का इंडिकेशन देगा जहां आम तौर पर ज्यादातर व्यूअर्स स्किप कर देते हैं। यूजर को स्क्रीन के बॉटम राइट कॉर्नर में कुछ सेकंड्स के लिए एक जंप अहेड का बटन दिखेगा। इसे शुरुआत में मार्च में टेस्ट किया गया था और अब YouTube.com/newpage के जरिए प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए इस फीचर को उपलब्ध करवा रहा है। ये फीचर अभी अमेरिका में इंग्लिश वीडियो के लिए YouTube एंड्रॉइड ऐप पर उपलब्ध है। प्रीमियम मेंबर्स इस फीचर को 1 जून तक ही टेस्ट कर सकते हैं, हालांकि ये डेट आगे भी बढ़ सकती है। अब बात करेंगे एलन मस्क के एआई चैटबॉट की। 2023 के दिसंबर में मस्क ने अपने एआई चैटबॉट ग्रोक एआई को पेश किया था। इस चैटबॉट को एक्स के प्रीमियम और प्रीमियम प्लस सब्सक्राइबर्स एक्सेस कर सकते हैं। अब मस्क एक नए फीचर को रोल आउट करने जा रहे हैं जो कि ग्रोक एआई से पावर्ड है। हालांकि ये फीचर एक्स के प्रीमियम यूजर्स के लिए ही उपलब्ध होगा। इस फीचर का मकसद यूजर्स के ट्रेंडिंग स्टोरीज से इंटरेक्शन बढ़ाना है। ये प्लेटफॉर्म अब प्रीमियम सब्सक्राइबर्स को हर ट्रेंडिंग टॉपिक से जुड़े पोस्ट की एआई जनरेटेड समरी देगा। ये समरीज एक्सप्लोर सेक्शन में फॉर यू टैब के अंदर आसानी से उपलब्ध होंगे। फॉर यू पेज को पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया है। ये यूजर्स के इंटरेस्ट से मेल खाने वाली स्टोरीज और न्यूज आइटम्स को डिस्प्ले करता है। इस फीचर का मकसद यूजर्स को वेल इन्फॉर्म्ड रखना है और यूजर्स को एक्स पर लेटेस्ट न्यूज का सिनॉप्सिस देना है। ओला के फाउंडर भविष्य अग्रवाल ने 2023 के दिसंबर में अपने एआई स्टार्टअप को लॉन्च किया था। इस एआई स्टार्टअप का नाम कृत्रिम एआई है और अब कंपनी ने कृत्रिम एआई का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। साथ ही रिसर्चर्स और डेवलपर्स के लिए अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए अपना क्लाउड प्लेटफॉर्म भी पेश किया है। क्लाउड प्लेटफॉर्म डेवलपर्स को एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कृत्रिम के फाउंडेशनल मॉडल्स और ओपन सोर्स मॉडल्स तक का एक्सेस देता है। कंपनी का कहना है कि वो आवाज और इमेज की अंडरस्टैंडिंग, उसके जनरेशन और प्री ट्यून्ड LLM एजेंट्स के लिए भी मॉडल्स को रिलीज करने को लेकर प्लान कर रहे हैं। 2024 के जनवरी में कृत्रिम भारत की फास्टेस्ट यूनिकॉर्न बन गई, साथ ही इसे देश की पहली AI यूनिकॉर्न का स्टेटस भी मिला था। AI से जुड़ी इस खास पेशकश में इतना ही। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।